कंपनी की शुरुआत कब हुई और किस उद्देश्य के साथ हुई? कंपनी की शुरुआत तो हमने 2008 में शुरू की और उद्देश्य अगर शुरू में देखें तो ऐसा मैं कहूंगी ऐसा उद्देश्य ही था कि कृषि एक इंडस्ट्री लगाने का सपना था, तो इसी सपने के साथ हम आगे बढ़े थे। थोड़ा लाइन का ज्ञान था, लाइन के लोग कुछ जानते थे, तो इसी लाइन में आ गए। तो सर आपके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और उसको लेके आप कितने स्टेट में काम कर रहे हैं? तो प्रोडक्ट तो जो है जनरली वो कॉमन प्रोडक्ट ही है जी, जो इंसेक्टिसाइड एक्ट में रजिस्टर्ड है और हर साल कुछ ना कुछ एडिशन होता रहता है, क्योंकि एक ये प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत आधारित है, क्योंकि पुराने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उनका असर धीरे धीरे कम होने लग जाता है और उनकी अवेलेबिलिटी पे भी असर होता है। और आपने दूसरी बात क्या पूछी थी? कितने स्टेट में आप इसको लेके? हाँ, अभी हम फिलहाल नॉर्थ में काम कर रहे हैं। अच्छा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड। सर क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रोडक्ट को लेके किसानों का, जबकि कई कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट को उतार रही है मार्केट में किसानों के बीच में, तो आपके प्रोडक्ट को खास कर लेकर किसानों को क्या रिस्पॉन्स है? अगर हम रिस्पॉन्स की अपनी बात करें तो सही मायने में ना एक कंपटीशन, एक भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, कि किसान के लिए भी ना असली पहचान करनी या सही प्रोडक्ट की पहचान करनी। क्योंकि आज से अगर हम पहले का सिनेरियो देखेंगे तो उसमें क्या होता था, एक तरफ मल्टीनेशनल कंपनीज हुआ करती थी जो अपने न्यू मॉलिक्यूल लाया करती थी और दूसरी तरफ सभी कंपनी होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज तो हैं, आज भी वो लाती है, लेकिन एक मिडिल इंडस्ट्री ने यानी कि MSME ने अपनी एक जगह इंडस्ट्री में बनाई है, क्योंकि वो क्वालिटी बेस काम कर रहे हैं और किसानों को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मुहैया करा रहे हैं। तो किसानों तक सीधे पहुंचने से और अपने प्रोडक्ट की पहचान कराने के लिए सबसे बढ़िया जरिया उनके लिए ये होता है कि उसका जब उनको इस्तेमाल करवाया जाता है, उनके यहाँ फील्ड किया जाता है, हमारी फील्ड टीम जाती है, तो उस प्रोडक्ट को तब उनके रिजल्ट आते हैं, तब उनकी फील्ड अच्छी आती है और जो उनकी परेशानियाँ होती हैं फसल से लेकर तो वो दूर होती हैं, तो ऑटोमेटिकली वही सबसे बड़ा रिस्पॉन्स है। सर चीन से टेक्निकल बंद होने के बाद इंडस्ट्री पे आपके हिसाब से क्या प्रभाव पड़ा है? देखो ऐसा नहीं है कि चीन से टेक्निकल बंद हो गए, हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना वो ये आई है कि भाई हमें ना मेक इन इंडिया करना है और अपने यहाँ मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग करनी है अपने टेक्निकल्स की, ठीक, ये अच्छा मॉडल है। लेकिन इसमें ये डिपेंड करता है क्या हम पूरी तरीके से तैयार हैं, या जो हम टेक्निकल बनाते हैं जो उसके अंदर रॉ मटेरियल डलते हैं वो हमारे यहाँ बनते हैं। तो अगर हम अपने यहाँ टेक्निकल भी बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल्स हैं जिस पर अभी भी हम डिपेंड हैं कि हमें चाइना से उसका इनर रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट हमें वहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, शुरुआत हो गई है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या कॉस्ट नहीं आती। चाइना से अगर आप डायरेक्ट टेक्निकल लेते थे उनकी कॉस्ट सस्ती पड़ती, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, दूसरा क्या उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, उनकी R&D बड़ी हाई है, दूसरा वो पूरे वर्ल्ड को भी प्रोक्योर करा रहे हैं, चाइना एक हर इंडस्ट्री में हर लाइन में ना कि हमारी इंडस्ट्री में सब जगह उन्होंने जगह बना ली, क्योंकि उनका एक इस तरह का मोटिव है। तो हमारी सरकार का ऐसा मोटिव है कि हम ना मेक इन इंडिया को दें जिससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़े और हमें पास। और वाकई ये सही है कि अगर हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो टेक्निकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें इशू क्या हो गया, अगर हम इस करंट सिनेरियो में देखें तो रॉ मटेरियल जो उसके अंदर डलते हैं इंटरमीडिएट,
उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि अभी हम उस पर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए। टेक्निकल तो हम बना सकते हैं, जो तीन चीज़ें या चार चीज़ें हैं हमारे पास, प्रोसेस भी है, प्रोसेस के लिए कैपेबिलिटी भी है, तो बहुत कम कंपनियाँ हैं जो उसके इनर मटेरियल भी अपने यहाँ डेवलप कर रही हैं। तो उस गैपिंग के चक्कर में क्या है कि एक तरीके से प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई, जो हम करंट सिनेरियो में एक फॉर्मेटर के नाते देखते हैं इस साल। और उसके तहत क्या है कि प्राइस इंक्रीज होने लग गई है, और अगर मटेरियल सिर्फ रिलेशन में मिलेगा या जहाँ आपकी अकाउंटेबिलिटी चल रही है, तो अभी क्या है कि हम, मैं ये कहूँगा कि अभी हम टेक्निकल में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, हमें एक पैरेलल इकोनॉमी रखनी पड़ेगी, चाइना को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ओके सर, सर प्रधानमंत्री जी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 2022 तक इसको पूरा किया जा सकता है? देखो, सरकार ने ना एक मुहिम छेड़ी जी, और सरकार ऐसा नहीं होता कि कोई जादू की छड़ी होती है कि ऐसे घुमाएगी और 2022 तक फार्मर की इनकम डबल हो जाए। सबसे पहले ना हमें किसी भी काम के लिए सेल्फ स्टार्ट करना होता है। अगर किसान अपने से शुरुआत नहीं करेगा कि मुझे अपनी इनकम डबल कैसे करनी है, तो वो नहीं कर सकता सरकार के लिए। उसको ये देखना पड़ेगा मुझे इनकम डेवलप करती है, गवर्नमेंट से मुझे क्या सपोर्ट मिलती है, प्राइवेट की मुझे क्या मिलती है, और डबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या स्टडी करनी पड़ेगी, अपने खेत में कितनी क्रॉप लेनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी लास्ट टू लास्ट मंथ में मैं वियतनाम गया था, तो मुझे वियतनाम बहुत अच्छा लगा। वियतनाम में जो फार्मर है, मिल्च फार्मर भी हैं, तो वो बड़े मेहनती लोग हैं, वो अपने फार्म को, अपने खेत को पूरा एक इंडस्ट्री की तरह चलाते हैं, और वो हर रोज ऐसे ऑब्जर्व करते हैं जैसे हम अपना कोई कारोबार करते हैं ना, दुकान और उसके। तो फार्मर को भी अपने कारोबार की तरह ही फार्मिंग लेना पड़ेगा, इजी नहीं लेना पड़ेगा। उसका माइनिंग क्या है कि उसको ये लेना पड़ेगा कि मेरे पास 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में मैं कौन कौन सी और कितनी फसलें ले सकता हूँ, तभी उसकी इनकम बढ़ेगी। कौन कौन सी और कितनी का मतलब है कि ये नहीं कि पड़ोसी ने धान लगाया तो मैं भी धान लगाऊँ, ठीक है धान लगाना जरूरी है, सरकारी खरीद होती है या उसकी मार्केट इजी है, लेकिन उसमें इनकम तो उतनी जनरेट नहीं होती है। अगर उसकी जगह उसके पास 5 एकड़ जगह है और 1 एकड़ में वो कोई ऐसी महंगी खेती कर लेता है, जैसे अभी कई फार्मर के एग्जांपल देखे हमने, उसको सीख इंस्पायर होना पड़ेगा उन फार्मर से। जैसे अभी एक पंजाब में आ रहा था कि पंजाब में शायद उसने केसर की खेती की, तो केसर कितना महंगा होता है, उसने थोड़े से एरिया में भी केसर लगा दिया, तो उसकी इनकम कितनी जनरेट हो जाएगी? इनकम तो उसी से जनरेट होगी कि प्रोडक्ट कोई ऐसा आएगा नॉर्मल जनरल प्रोडक्ट में, जैसे मैं जनरल मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, उसी तरीके से एक ऐसी यूनिक खेती चाहिए जिसमें से वो अपने खेत से मौसम को देखते हुए, हम ये नहीं कह सकते कि वियतनाम वाले ऐसा कर रहे हैं तो हम सेम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे इंस्पायर होने की बात यह है कि वो 3 क्रॉप लेते हैं और अपनी क्रॉप से मैक्सिमम ईल्ड लेते हैं। ईल्ड ऐसे लेते हैं कि उसकी देखभाल बहुत अच्छी करते हैं, हर महीने में कितना पानी देना है, कितनी फर्टिलाइजर देनी है, कितनी मात्रा देनी है, क्या करना है। तो हमें थ्रू नॉलेज होनी चाहिए, हमें मास्टर बनना पड़ेगा, यानी कि किसान को देख सुन के ये नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसको अपने फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। जब आप फील्ड के मास्टर हो जाएंगे तो कोई आपको डबल इनकम या ट्रिपल इनकम भी आपको मिल जाएगी, और आप लोग और आप लोगों को और भी इंस्पायर। सर, किसानों को जागरूक करने के लिए अंबर क्रॉप साइंस क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है? देखो, हमारा कोई इतना बड़ा दायरा नहीं है कि हम किसानों के जागरूक करने के लिए कोई मुहिम चला रहे हैं। ये है कि जो हमारी मार्केटिंग टीम, सेल टीम के संपर्क में जो भी आते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को सराहते हैं, क्योंकि जो लेके जाते हैं तब ऑर्डर आपके रिपीट होने लग जाए, डिस्ट्रीब्यूटर दोबारा माल मांगने लग जाए, और फार्मर उसको देख के खुश हो प्रोडक्ट को डाल के कि मुझे अपनी जो मैंने अपना खर्चा किया, जो मैंने दवाई खरीदी उसकी मुझे वर्थ मिली, मुझे इसका इलाज मिला। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा उसकी चेतना है उसके जगाने की, कि हम तो यही कहेंगे कि भाई हम उसको ऐसी मुहिम नहीं छेड़ेंगे हमने अलग से कि फार्मर के लिए कि भाई हमने कोई कैंपेन चला दिया या कुछ चला दिया, और ताकि हम उसी बातें करें। हमारे जो दायरे में लोग हैं वो हमारे क्लाइंट हैं, अल्टीमेट यूज़र तो हमारा फार्मर ही है ना, तो उससे हम मैक्सिमम उससे संबंध बढ़ा के उसको सही नॉलेज दे के, जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई बीमारी उसके यहाँ ऐसी आ गई हो, उसकी दवाई हमारे पास ना हो, तो ये नहीं कि हमें ज़बरदस्ती उसको हमारी दवाई डलवानी, हम तो उसको सही नॉलेज देना, यही हमारी उसके लिए जरूरत है। अपने स्टाफ को भी यही इंस्ट्रक्शन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि फार्मर के साथ जस्टिस होना चाहिए। कोई सर नया उत्पाद जो किसानों के? नए उत्पाद तो आते रहते हैं, कोई हमारा कोई ऐसा, मैंने बताया कि हमारा कोई ऐसा तो न्यू उत्पाद नहीं है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम ही आ रहा हो, हम कुछ ना कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स लाते रहते हैं। जैसे कि हमारा थाया 30% FS,
अब हिल्स ऊपर उसकी मार्केट हमारी बढ़ती जा रही है, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं और फार्मर की इल्ड में भी और बीमारियों में भी अच्छा इलाज कर रहे हैं। और इस साल भी हम कुछ नए मॉलिक्यूल्स ला रहे हैं, हर साल ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप किसानों से कुछ कहना चाहते हैं तो तो वो कहाँ से पे करेगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो अपनी फसल आपको जिसके कहते हैं जो काम करना पड़ता है तो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, उसको फुली इंटरेस्ट से पूरी रुचि से अपना काम करना चाहिए। देखो प्रॉब्लम तो रहेगी अगर हम एक दूसरे पे दोषारोपण करेंगे, सरकार पे करेंगे या अपने किसी और व्यक्ति पे करेंगे, उससे काम नहीं बढ़ता। हमें उन समस्या को निदान करके आगे बढ़ना है। तो फार्मर को भी ये कहेंगे कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें, और जो लोग एडवांस चल रहे हैं और जिनकी इनकम अच्छी है फार्मिंग में, उनसे इंस्पायर, तभी आपकी सरकार मदद कर सकती है और तभी कोई व्यक्तिगत मदद करेगा। पहल तो आपको ये करनी। ओके सर, थैंक यू।